व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका इससे रिलेटेड है कि जैसे उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार ये जताना चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार ब्रिटिश सरकार के साथ भारत की जनता भी है, ठीक है। तो इसी के विरोध में, उसी के अगेंस्ट में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन था, देख लीजिए। तो 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे को चुना गया, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही फिर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे फिर ब्रह्मदत्त बने, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे जिन्हें चुना गया, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारे डिटेल्स को लेकर चलते चलें, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि अकबर द्वारा जज्या कर कब समाप्त किया गया। तो ये याद रखिए कि जज्या कर क्या था, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो जज्या कर देखिए जितने भी मुस्लिम शासक थे, तो वो जितने भी मतलब कि जो रहते थे उस इलाके में, उसके राज्य में, तो जितने भी गैर मुस्लिम लोग जो रहते थे उनसे वो ये कर लिया जाता था जज्या कर, ताकि वो अपना धर्म पालन अगर करना चाहते हैं तो वो उस क्षेत्र में अगर रहना चाहते थे कि इस क्षेत्र में अगर कोई राजा है मुस्लिम शासक है, तो वो मुस्लिम शासक बोलेगा कि इस एरिया के अंदर जो भी गैर मुस्लिम लोग रहते हैं अगर वो अपना धर्म पालन मतलब करना चाहते हैं सुचारू रूप से, मतलब कि जो भी उनका है, तो उनके लिए उसे जज्या कर देना पड़ेगा, तभी वो अपना धर्म पालन कर सकते हैं और उसके इलाके में रह भी सकते हैं, नहीं तो फिर उनके साम्राज्य को छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ेगा। ये था आपका जज्या कर। तो जज्या कर आप लोग का गैर धार्मिक लोगों से लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं थे, ठीक है। अब इसे कब समाप्त कर दिया गया, तो देखिए जज्या कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो था अकबर था, तो अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में ये भी लेते थे, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने समाप्त किया था। अकबर ने 1864 ईस्वी में जज्या कर समाप्त किया, तो ये भी याद रखिएगा कि कब समाप्त किया। देखिए यहाँ पे पूछा है कब समाप्त किया और किसने किया, तो ये तो याद रखना ही रखना है आपको कि अकबर ने किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखिए जिस तरह से याद करते जाओगे, अब जज्या कर क्या है तो जानोगे, तभी तो फिर इसको पढ़ने में मजा आएगा। तो आप लोग को इसलिए मैं हर टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जज्या कर गैर मुस्लिम लोग देते थे और उस इलाके में रहने के लिए देते थे, ताकि वो उस इलाके से बाहर ना कर दिए जाएँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ ले रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए जो हमारा पिछला क्लास देखे होंगे तो उनको ये बताने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा, उनको तुरंत आंसर पता होगा। तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके साथ ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग जो याद रखना है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान, आप लोग लिख भी सकते हैं कि भारतीय संविधान का जनक भी इन्हें कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को ही संविधान सभा का, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। फिर और देखिए कि संविधान सभा संविधान ग्रहण कब किया गया, तो संविधान याद रखिएगा कि कब ग्रहण किया गया, तो 26 नवंबर को, डेट लिख लीजिएगा, ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 1949 को ग्रहण किया गया, ठीक है। इतने दिन ग्रहण कर दिया गया और दो महीने के बाद लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 1949 में आपका नवंबर में आप लोग का ग्रहण हुआ और 1950 के 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर साथ ही साथ क्या याद रखिएगा कि संविधान समिति, मतलब यही देखिए प्रारूप समिति या मसौदा समिति भी लिखा हुआ रहता है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो गए भीमराव अंबेडकर। इसके साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री भी भीमराव अंबेडकर थे। तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो इससे प्रश्न आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि तीनकठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो लगभग इस तरह के क्वेश्चंस भी करते चलिए जो लोग मतलब कि छोटे प्रश्न है, 3 नंबर 2 नंबर में आएंगे। तो देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिक है ना, गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया। याद रखिए कि गोरे ने क्या किया, बगान मालिकों के किसानों से अनुबंध किया, जिसके अनुसार किसानों को अपनी ज़मीन का 3/20 हिस्सा में नील की खेती करना अनिवार्य हो गया। तो याद रखिए कि 3/20 हिस्सा मतलब समझे कि 20 हिस्सा में अगर बांट दे आपका खेत को, 20 हिस्सा में अगर बांट दिया जाए ऐसे ऐसे करके, तो 3 हिस्सा में आपको नील का खेती आपको करना ही करना है, ये अनिवार्य किया गया, क्योंकि उससे सरकार को फायदा मतलब कि गोरे को फायदा हो रहा था। इसे तीन कठिया पद्धति कहा गया। देखिए याद रखिएगा तीन कठिया मतलब 20 कठिया में 3 कठिया, याद इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग, इसलिए मैं बताया 3 कठिया मतलब 3 कठिया, देखिए 20 में 3 कठिया आपको नील के लिए अनिवार्य कर दिया गया, इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब किसान थे जब भी वो खेती करेंगे कि ज़मीन में, तो इतना आपको नील के लिए खेती करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका
तिनकटिया पद्धति। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा कि कम्युनल अवार्ड क्या था। तो देखिए द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्याओं को हल करने में भारतीय असफल रहे, जो भी सांप्रदायिक समस्या हो रही थी उस टाइम उसको हल करने में वो असफल रहे, इसलिए सरकार ने इस समस्या का समाधान करेगी। इसलिए कौन अब इसका समाधान करेगा? सरकार करेगा। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी घोषणा देख लीजिए कब किया गया, ये डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने की थी, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पिछले बार आए हुए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब आते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए खिलाफत आंदोलन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के बीच होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गया। देखिए ये जो आपका संधि हुआ, ठीक है, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच जो सेवर्स की संधि हुई, उससे तुर्की का जो सुल्तान था उसके सभी अधिकार खत्म हो गए और एक तरह से तुर्की राज्य छिन छिन हो गया। ठीक है, छिन भिन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर मदद की, देखिए अंग्रेजों का मदद किसके खिलाफ कर रहे थे, तुर्की के खिलाफ, कौन से शर्त पर, देखिए कि भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे, कौन, अंग्रेज नहीं करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ दिए जाने वाले वादा खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। ठीक है, सुने क्या बोल रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाला वादा खिलाफी को, जो उन्होंने देखिए तुर्की के सुल्तान के साथ क्या किए थे, ब्रिटेन वादा खिलाफी किए थे, तो उसको वो कैसे देखते थे, भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किया। तो याद रखिएगा कि तुर्की के सुल्तान के वादा खिलाफी के अगेंस्ट जाकर भारतीय मुसलमान, है ना, अंग्रेज से जो साथ दे रहे थे, तो वो इसे क्या देख रहे थे कि वो तुर्की के सुल्तान के साथ क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश विश्वासघात कर रहे थे, इसी विश्वासघात को वो देखिए खिलाफत आंदोलन यहाँ पे रूप ले लेता है। तो याद देखिए तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो देखिए हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं, साथ में थोड़ा सा डिटेल्स भी दे देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको कंप्लीट हो जाता है। देखिए तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, तो अगर पूछेगा प्रश्न कि बाबरनामा किसे कहा जाता है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि तुजुक ए बाबरी को कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, आप हो सके तो नोट करते चलें, ठीक है, और PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, बाद में वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसे जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा, तो कौन सा भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में, और किसने लिखा, बाबर ने। तो याद रखिएगा तुझ के बाबरी या बाबरनामा जिसे बोलते हैं वो बाबर ने लिखा, ये भी पूछा जा सकता है। बाद में इसका अनुवाद फारसी में किया गया, पूछ लिया जाए कि बाद में इसका अनुवाद किस में किया गया, तो तुर्की से फारसी में। तो कितने एक क्वेश्चन से मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, तो ऐसी सीरीज मैं ला रहा हूँ, बहुत मेहनत से तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है, जुड़े रहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे, देखिए जमींदार अपने पास कितना रखते थे जितना वो लगान वसूलते थे, तो देखिए याद रखिएगा कि 1/10 ग्यारहवां भाग वो स्वयं रखते थे और 10/11 भाग वो किसको दे देते थे, जो वसूल करते थे वो कंपनी को दे देते थे, कंपनी इनको अधिकार दिया था। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि किसान लोग क्या करते थे, खेती करते थे, और किसान से जो लगान वसूलना था वो मतलब जो ब्रिटिश हुकूमत था या कंपनी, आप समझ लीजिए कंपनी, वो जमींदार को ये काम दी थी कि इनसे आप वसूले थे, जमींदार इनसे वसूलते थे किसान से, तो जमींदार किसानों से वसूलते थे, और समझ लीजिए कि 11 हिस्सा में 10 हिस्सा वो खुद कंपनी को दे देते थे और 1 हिस्सा खुद रखते थे। और एक चीज़ और शर्त था कि अगर वो बाकी अगर ज़्यादा तय रकम से अगर ज़्यादा वसूली करते हैं तो उसे जमींदारों को दे दिया जाएगा। आप समझे क्या मैं बोल रहा हूँ, सुनिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 11 रुपया वो लेता है कर्ज, मतलब कि क्या बोलते हैं लगान, 11 रुपया या 11,000 समझ लीजिए सीधा की सीधी 11,000 रुपया लेता है, तो ये सारी चीज़ें समझ जाइएगा तो आसान लगेगा। तो 11,000 रुपये में वो समझिए कि 1,000 खुद रखता है और 10,000 देता है किसको, कंपनी को। लेकिन यही 11,000 के जगह वो मार पीट के 13,000 लेता है, तो भी कंपनी को उसको 10,000 देना रहेगा और बाकी 2,000 जो एक्स्ट्रा वो लगान वसूला वो इसको चला जाएगा, 3,000 रुपया कमाई हो जाएगा। तो वो यहाँ पे कहा गया कि तय रकम से अगर ज़्यादा वसूली करता था तो उसे जमींदार ही रख लिया करते थे। चलिए आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुए हैं घटनाएं, तो आपको याद रखना चाहिए कि गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, किस कांड में कौन सा गवर्नर जनरल था, जैसे चोरी कोई बहुत तरह के प्रश्न आएंगे, तो ठीक है, तो गवर्नर जनरल का आपको लंबा सा जो सीरीज सिक्वेंस है वो सिक्वेंस याद रखें कि कब कौन आया कितना में आया। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो थे लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, देखिए यहाँ पे, और वो भारत के पहले वायसराय बने थे, याद रखिएगा भारत के पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं,
देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। तो चोरी चोरा घटना कब या किस राज्य में घटित हुआ, तो चोरी चोरी घटना कब हुआ चोरी चोरा और वो किस राज्य में घटित हुआ, तो देख लीजिए याद रखिए चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में हुआ था, संयुक्त राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है के गोरखपुर जिले से। आपको पता होगा कि योगी जी भी आते हैं, तो इस तरह से करके याद रखिएगा कि चोरी चोरा कांड संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा से शुरू हुई थी। तो चोरी चोरा आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो कि चोरी चोरा घटना यहीं से हुआ है। आगे देखिए, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन में जितने भी लोग प्रदर्शनकारी भाग लिए थे वो पुलिस के साथ भिड़ गए थे, है ना। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, देखिए ये जो प्रदर्शनकारी थे असहयोग आंदोलन वाले वो पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिए थे, देखिए पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, ठीक है, तो याद रखिएगा ये कांड। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये याद रखिएगा आप लोग, ये सारे पूछ सकते हैं आपको। तो 30 दिसंबर 1906 में क्या होता, 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका कहां है, अभी बांग्लादेश की राजधानी है, पता है ना, तो वर्तमान में कहां है ये, बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी, तो ढाका में हुई थी, ठीक है। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे, ठीक है। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद, जब पाकिस्तान 1947 में गठन हो गया बन गया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब कौन सा नाम से बन गई है, मुस्लिम लीग बन गई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग। तो याद रखिए ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था, मतलब किस कारण से किया था, देखिए बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने, याद रखिएगा बुलंद दरवाजे किसने बनाया है, तो अकबर ने बनवाया है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर में स्थित है, देख लीजिए बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया था, तो याद रखिएगा कि गुजरात में जब उन्होंने विजय पाया तो उसकी स्मृति में याद में उन्होंने 1602 में बनवाया था, तो कब बनाया था ये भी याद रखिएगा, 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया, किसके द्वारा कराया गया, अकबर के द्वारा कराया गया, कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी आंदोलन है उसको आप डेट सहित याद रखिए और उसके मतलब कि क्या क्या हुआ था उसमें ये भी याद रखिए। तो देखिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब, सेकेंड वर्ल्ड वार, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918, ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार का बात हो रहा है। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, कब आरंभ किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को, यही पूछा है, देख लीजिए, है ना, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी क्रांति के नाम से, अगस्त क्रांति, तो ये भी पूछ सकता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, ठीक है, तो भारत छोड़ो मतलब भारत छोड़ने के लिए ही ये आंदोलन किया गया था, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे भारत को छोड़ दो, है ना, तो ये उनके ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ही ये आंदोलन किया गया था। तो ये 7th नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो गया। चलिए 8th में चलते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ लंबे क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो मैं करवा दे रहा हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न चलिए कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं 10-10 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। दीन इलाही से आप क्या समझते हैं, दीन इलाही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो अकबर एक धर्म सहिष्णु था, धर्म सहिष्णु मतलब वो सभी धर्म को बाद में जाके एक जैसा देखने लगा था, शुरू में तो नहीं देख रहा था लेकिन बाद में अकबर धर्म सहिष्णु बन गया, उसने धर्म के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किया और विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को लेकर, जितने भी सभी धर्म है सभी की अच्छाइयों को लेकर 1882 ईस्वी में एक नवीन धर्म की स्थापना की, जो दीन इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है, मतलब जितने भी धर्म के जो अच्छा अच्छा गुण थे वो एक जगह लिख के और समझिए कि नवीन धर्म का स्थापना किया, जिसे दीन इलाही धर्म के नाम से जाना गया, ठीक है। देखिए अकबर इतिहास में महान की उपलब्धि में से विभूषित है, मतलब इतिहास में महान की उपाधि से वो विभूषित है, ठीक है, और इसकी महानता का मुख्य कारण है उसका विराट व्यक्तित्व, साम्राज्य की, देखिए साम्राज्य की मैंने लंबा आंसर इसलिए दे दिया कि 4-5 नंबर का भी आएगा तो लिख सकेंगे आप, ठीक है। दृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापना तथा मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुस्लिमों को राहत दिया, देखिए पहले जजिया कर लगाया जाता था तो इन्होंने ही हटाया था, अकबर ने ही, तो वही बोल रहा है कि पिछले वाला जो सीरीज देखे होंगे तो उसमें मैंने बता दिया था जजिया कर इन्होंने कब समाप्त किया, तो वो मैंने बताया था कि अकबर ने ही किया, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लगातार सीरीज देखते आए तभी आपको याद होते जाएगा, ठीक है। अकबर ने ना सिर्फ गैर मुस्लिमों को राहत दिया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, देखिए वो राजपूत से शादी भी किया था आप लोगों को पता होगा जोधा, ठीक है, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया, और उसके बाद देखिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था किया उसने, ठीक है। धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक के रूप में उसका दिलाई प्रशंसनीय है, मतलब पहले जो कट्टरता चल रहा था धर्म के प्रति वो कम कर दिया इन्होंने और धार्मिक सामंजस्य स्थापित करने लगे, जिसके कारण इन्हें दीन इलाही, इसको जो बोला है वो प्रशंसनीय है, मतलब तारीफ के काबिल है। दीन इलाही द्वारा अकबर ने सर्वधर्म धर्म संभाव की भावना को उत्प्रेरित किया, तो सर्वधर्म संभाव मतलब सभी धर्म को एक जैसा इन्होंने देखने लगा। आगे देखिए, संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई
हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करने पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संथाल वाला, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। चूंकि संथाल बांदिशों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, कौन कहाँ पर कब्जा जमाया था याद रखिएगा, कि संथाल जो थे बांदिशों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा किया, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में भीतर की और पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। पहाड़िया लोग किसका प्रयोग करते थे? झूम खेती के लिए कुदाल का। कुदाल का उपयोग कौन कर रहे हैं? पहाड़िया लोग, ठीक है। इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बांदिशों, और हल कौन करते थे यूज? नए बांदिश, संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। तो याद रखिएगा कि हल संथाल और कुदाल से वो झूम खेती करते थे पहाड़िया लोग, तो इसलिए बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो देख लीजिए, पहाड़िया कुदाल का उपयोग करते थे और संथाल आपका हल का उपयोग करते थे, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में हम आ गए, लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी, किस तरह से वो लॉर्ड डलहौजी किसी भी राज्य को अपने में मिला लेता था। तो ये बहुत ही नामी है, आपको पता होगा झांसी की रानी का भी राज्य इसी तरह से हड़पने की कोशिश किया गया था। चल देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, कब बना था देख लीजिए, ठीक है। वह साम्राज्यवादी प्रकृति का था। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। कंपनी के राज्य का विस्तार करने के लिए उसने एक नवीन कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया। सुनिए कौन था, जो गोद निषेध नीति था, मतलब कि अगर राजा का पुत्र नहीं होता है तो वो गोद नहीं ले सकता है, के नाम से जाना जाता था। देख लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आगे देखिए, भारत में प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा आ रही थी, देख लीजिए पुराने समय से ही गोद लेने की प्रथा आ रही थी। जब किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार किसी बालक को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लेता था। तो यही बात मैं बोल रहा था कि राजा का अगर नहीं है हिंदू राजा का, तो वो किसी भी बालक को गोद लेता था, बाद में जाकर वही उत्तराधिकारी बनकर राजा बन जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देशी राजा, अब इस सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी ला रहा है इसके हिसाब से देखिए क्या होगा, इस सिद्धांत के अनुसार अब कोई भी देशी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकता था, और ना ही गोद लिया हुआ पुत्र उसका राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था। देखिए मतलब कि किस तरह से राज्य हड़पना है, इसकी एक नीति थी कि अब आप गोद भी नहीं ले सकते तो आपका पुत्र राजा कैसे बनेगा, जब उत्तराधिकारी नहीं बनेगा तो वो राज्य ऑटोमेटिकली किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश शासन के हाथ में चला जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का कठोरता के साथ पालन किया, ठीक है। और देखिए कौन कौन सा जगह उन्होंने अपने में विलय कर लिया, शामिल कर लिया, देख लीजिए सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर तथा झांसी। झांसी मैंने आपको बताया था, झांसी की रानी ग्वालियर वो इन्होंने ही मिला लिया था। तो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से। उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के निम्नलिखित आधार बनाए, देखिए मैंने लंबा क्वेश्चन बना दिया।